अस्सलाम वालेकुम बेटा। मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस की तरफ से चौधरी खलीकुर्रहमान उर्दू के हवाले से आपके सामने हूँ। इससे पहले आपने पहला सबक मुकम्मल किया, पहली गज़ल मुकम्मल की, पहली नज़म पढ़ ली, दूसरी नज़म पढ़ ली। अब हम चलते हैं नज़म नंबर 3 की तरफ। नज़म नंबर 3 हमारी तस्लीम रज़ा है। तस्लीम रज़ा में हमारे सामने पढ़ने को क्या मिलेगा? तस्लीम के माने हैं मानना। रज़ा के माने हैं रज़ा इलाही, अल्लाह की रज़ा। मुराद क्या हो गई? अल्लाह की रज़ा के सामने सर झुकाना। ये तस्लीम और रज़ा का मतलब है। अकबर अल आबादी, नज़ीर अकबर आबादी हमारे शायर हैं। नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर के तौर पर पहचाने जाते हैं। आपने शायरी को शाहों के दरबार से निकाल कर अवामुन्नास तक पहुंचाया। आम लोग हो गए अवामुन्नास तक पहुंचाया, अवामी मौजूआत का इंतखाब किया। इसलिए आपको अवामी शायर के लकब से नवाजा गया। आपकी मकबूल नज़मों में आदमीनामा, बंजारा नामा, दिवाली, तंदुरुस्ती, बरसात, तिल के लड्डू, जोशे शबाब, वगैरह शामिल हैं। ये बेटा मुख्तसर सा शायर का तारुफ था जो आप किसी भी आने वाले बंद में लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे ये नज़्म दर हकीकत औलिया और
सूफिया के औसाफ बयान करने के लिए लिखी गई है। हम बताएंगे सूफी तसव्वुफ की एक इस्तला है। सूफी किसे कहा जाता है? सूफी तसव्वुफ से निकला है। बातनी और रूहानी पाकीज़गी हासिल करने का इल्म तसव्वुफ कहलाता है। ऐसा इल्म जिससे आप बातनी और रूहानी पाकीज़गी हासिल कर लें उसे हम तसव्वुफ कहेंगे, और इस इल्म के हामिल अफराद सूफी या सूफिया कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जो खुदा की रज़ा के सामने सर बसजूद रहते हैं, दुनियावी आसाइशात को तर्क कर देते हैं, खाक नशीनी और खाक बसरी इख्तियार करते हैं, नफ्स कुशी के ज़रिए मुजाहदा करते हैं और दिन रात याद इलाही में महवो मसरूफ़ रहते हैं। नज़म में इन्हीं लोगों के औसाफ का बयान मिलता है। ये नज़म बनावट के एतबार से मुसद्दस है, यानी ऐसी नज़म जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो वो मुसद्दस कहलाती है। ये बेटा मुख्तसर सा शायर और नज़म का तारुफ था। इस नज़म में ऐसे ही लोगों के औसाफ बयान किए गए हैं जो नफ्स कुशी करते हुए तारिक को दुनिया हो जाते हैं, तारिक को लज्जात हो जाते हैं, दुनिया की लज्जतों को तर्क करते हैं, दुनिया से कतअ ताल्लुक़ कर लेते हैं। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हमादम और हर वक्त अपने आप को याद इलाही में महवो मसरूफ़ रखते हैं। मैं नोट दे रहा हूँ यहाँ पे, ये नोट है। इस नज़म के अशआर की तशरीह, अल्फाज, मानी की वजाहत के हवाले से की जाएगी, यानी हमारा पहला मिसरा है अगर जो फ़क्र में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं। इसमें से लफ्ज़ फ़क्र को उठाएंगे, इसकी वजाहत करेंगे।
और कच्ची खोलते जाएंगे। हर काम में लफ्ज़ उठाएंगे, हर दाम में लफ्ज़ उठाएंगे, हर हाल में लफ्ज़ उठाएंगे। खुश हैं गर माल दिया यार ने तो माल में खुश हैं, माल दिया यार ने लफ्ज़ उठाएंगे वजाहत करेंगे। बेजर जो किया लफ्ज़ उठाएंगे वजाहत करेंगे। इफलास में अदबार में इकबाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। आप लोगों के जहनों में ये बात रहे कि पर्चा में हम लोगों से सिर्फ दो अशआर की तशरीह पूछी जाती है, ये तीन अशआर इकट्ठे आए हुए हैं, मुसद्दस है, तो जहन में रहे कि इनमें से ये दो शेर आपके आ सकते हैं, ये दो शेर नहीं आ सकते। बहुत कम, मुझे नहीं याद, 20 साल मुझे पढ़ाते हो गए हैं कि मैंने कभी ये दो अशआर देखे हैं। ये दो अशआर आ सकते हैं, ये दो अशआर आ सकते हैं, ये दो अशआर आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते। इनमें चूँकि शायर का नाम मौजूद है इसलिए कोई अहमक मुमतहिन होगा जो ये अशआर आप लोगों को देगा, चूँकि शायर का नाम जिस शेर में मौजूद हो हम वो पढ़ते नहीं हैं, पिछले मशक कर चुके हैं, पिछली दो नज़मों में आपने देखा है, थोड़ा बहुत हम इसमें पढ़ लेंगे, झांक लेंगे, हल्का सा देख लेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि इसमें ये दो अशआर तो आ सकते हैं, ये दो अशआर नहीं आ सकते, कि एक शेर आ जाए एक शेर आ जाए, ये दो अशआर नहीं आ सकते, ये दो अशआर नहीं आ सकते। एक बात हो गई। दूसरी बात मैंने बताई है अल्फाज मानी के हवाले से तशरीह करेंगे। एक मिसरे का एक पैराग्राफ बनाएंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि तशरीह हमने अलग अलग अशआर की है। इस नज़म की तशरीह में आप मार्कर से बंद लिख देंगे, हेडिंग देंगे, चारों मिसरे आप इकट्ठे लिखेंगे। ये पहले हम आसान कर लें फिर हम नज़म पढ़ते हैं। नज़म को उनवान लिखेंगे, शायर का नाम लिखेंगे एक बार ही, तशरीह की हेडिंग देंगे, इकट्ठा मफहूम बना लेंगे। नज़म का मकसद है, पहले दो के लिखवा चुका हूँ, इस नज़म का मकसद है कुलियाते अकबर, कुलियाते नज़ीर अकबर, बल्कि कुलियाते नज़ीर है, अकबर नहीं है, कुलियाते नज़ीर। जहाँ माखज़ लिखते हैं वहाँ पर माखज़ लिखेंगे और उसके बाद फिर आप मुतबाकिल तशरीह करते चले जाएंगे। तशरीह का तरीका पहले आपको बता चुका हूँ, मैंने बताया था आप लोगों को कि तशरीह हम शेर वाइज करेंगे। नज़म में याद रहे आपको ये बात, ये मार्जिन आपके पास है कि आप चाहें तो दोनों अशआर की तशरीह इकट्ठे कर सकते हैं किसी भी नज़म की, चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी नज़में जो बंद की सूरत में हैं, जैसे नज़म हमारे सामने हैं, जैसा कि अब आप फ़र्क देख सकते हैं, ये हमारी नज़म नंबर 3 है। जो नज़में ऐसे लिखी हैं शेर वाइज लिखी हैं उनकी तशरीह आप लोग अलग करेंगे। और जो नज़में आपने इस तरह लिखी हैं, इस अंदाज़ से लिखी हैं, बंद की सूरत में हैं, उनकी तशरीह आप लोग इकट्ठी करेंगे। ये हमारी हम थी। तो बेटा ये नज़म का
तारुफ हुआ, शायर का तारुफ हुआ, नज़म के हवाले से बुनियादी बातें हो गई, नज़म की तशरीह करने का, इस नज़म की तशरीह करने का तरीका हो गया। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ लफ्ज़ी हवाले से नज़म को दोबारा शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी बख़ैर, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।